नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूँ आपके साथ राजश्री धवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो नई सरकार के शपथ ग्रहण की नई तारीख का ऐलान 25 मार्च को होगा। योगी सरकार 2.0 का शपथ ग्रहण शाम 4 बजे लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ समेत कई दिग्गज इसमें शामिल होंगे। सोनिया गांधी, प्रियंका, माया और अखिलेश को भी न्योता भेजा जाएगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह इसमें शामिल होने वाले हैं और मोदी कैबिनेट 2.0 का विस्तार, और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो नई सरकार के शपथ ग्रहण की जो तारीख है उसका ऐलान कर दिया गया है। अब 25 तारीख को यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है। विपक्ष को भी न्योता इसमें भेजा जाएगा, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पिछले दिनों चुनाव हुए और बीजेपी को यहाँ पर बंपर जीत हासिल हुई है, जिसके बाद अब सरकार बनाने की तैयारी है। तो 25 मार्च को शाम 4 बजे शपथ ग्रहण होगा। आपको बता दें कि पिछली सरकार में योगी आदित्यनाथ के साथ 2 डिप्टी CM भी थे और केशव प्रसाद मौर्य के साथ दिनेश शर्मा को भी 2रा डिप्टी CM बनाया गया था। अब इस बार के समीकरण क्या कुछ होंगे तो खैर देखने वाली बात होगी, लेकिन दूसरी तरफ अगर तारीखों की बात करें तो 25 मार्च को शाम 4 बजे शपथ ग्रहण होगा। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे तौकीर खिदवई, संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। तौकीर, एक तरह से देखा जाए तो अब रूपरेखा जो है वो तय हो गई है कि किस तरह से शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन कैबिनेट की रूपरेखा को लेकर क्या कुछ हलचल है, वहीं दूसरी तरफ कार्यक्रम किस तरह का होने वाला है 25 मार्च को? देखिए, भाजपा की तरफ से इस बार आयोजन काफी भव्य किया गया है। इकाना स्टेडियम को बुक किया गया, इकाना स्टेडियम में करीब 50,000 से ज्यादा की क्षमता सिर्फ लोगों के बैठने की है। इसके अलावा बड़ा एक मैदान है, उसमें भी स्टेज बनेगा और उसमें भी नीचे जमीन पर भी कुर्सियां डाली जाएंगी, तो कहीं ना कहीं 70 से 80 हज़ार आदमी उस पूरे कान स्टेडियम में नजर आएंगे। इसमें आम आदमी के लिए भी जगह रखी गई है, क्योंकि माननीयों का तो जमावड़ा होने वाला है, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री भी आएंगे और इसके अलावा जो सेंट्रल के मिनिस्टर्स हैं वो शामिल होंगे। और माना यह भी जा रहा है कि जो लाभार्थी हैं, जो इस सरकार में लाभार्थी रहे योगी सरकार के, उनको भी बुलाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक भव्य आयोजन की तैयारी है। फिलहाल जो आपने बात कही कि कौन कौन इसमें कैबिनेट में शामिल होगा, तो माना जा रहा है करीब 25 से ज्यादा की तादाद है जिसमें कैबिनेट और राज्य मंत्री अपनी शपथ लेंगे, और इसमें 2 पुलिस अधिकारी जो इस बार माननीय हो चुके हैं उनको भी कैबिनेट में शामिल किए जाने की चर्चा है, जिसमें राजेश्वर सिंह और असीम अरुण जो दोनों अभी विधायक हो चुके हैं और इनको भी अब कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री के सलाहकार रहे शलभमणि त्रिपाठी, दयाशंकर सिंह, ऐसे वो नाम है जो पहली बार इस कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। और खास बात यह भी है इस बार की सरकार में, क्योंकि कई ऐसे मंत्री थे जो इस बार चुनाव हार गए हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा शफल देखने को मिलेगा, जिसमें सतीश द्विवेदी, सुरेश राणा, मुकुट बिहारी वर्मा, ये ऐसे नाम थे जो चुनाव हार चुके हैं 2022 का, तो कहीं ना कहीं ये कैबिनेट से बाहर होने वाले हैं। माना जा रहा है कई ऐसे नए चेहरे जिनको मौका दिया जाएगा। चलिए, बिल्कुल इस पर नजर रहेगी और तौकीर बने रहेगा हमारे साथ। इसी बीच एक और खबर मिल रही है, ओम प्रकाश राजभर और अमित शाह के बीच मुलाकात हुई है। सूत्रों के हवाले से ये खबर, ओम प्रकाश राजभर की दिल्ली में शाह से मुलाकात हुई है और ये खबर मिल रही है। शपथ ग्रहण में भी नजर आ सकते हैं ओपी राजभर। राजभर अपने 6 विधायकों के साथ बीजेपी का साथ जो है वो कर सकते हैं। तो ओपी राजभर और अमित शाह की मुलाकात हुई है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है जिसमें शामिल भी हो सकते हैं ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने अमित शाह से मुलाकात की है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो बड़ा सियासी उलटफेर इसे कहा जा सकता है, और बीजेपी गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर की क्या इसे वापसी समझा जाए, ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। तौकीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तौकीर, क्या इसे वापसी समझा जाए ओपी राजभर की? जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं नंबर गेम है जिसके लिए अमित शाह जाने जाते हैं, और राज्यसभा में गिनती बढ़ाने के लिए ये ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ ले भी सकते हैं, क्योंकि भले ही ओम प्रकाश राजभर लगातार हमलावर रहे हो,
पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन इस बात की चर्चा हमेशा बनी रही कि ओम प्रकाश राजभर कभी भी भारतीय जनता पार्टी का साथ दे सकते हैं। तो फिलहाल चुनाव खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट सामने हैं और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत के साथ दोबारा सरकार बनाने जा रही है। तो ओम प्रकाश राजभर अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं या अपना साथ देते हैं, अपनी पार्टी को लेकर जाते हैं, तो इसमें कोई भी बहुत अचंभित करने वाला कुछ नहीं होगा, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के लिए हमेशा से कयास लगाए जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से उनकी बयानबाजी रहती है और जिस तरह से मुलाकातों का दौर चलता है उस पर हमेशा उन पर सवाल खड़े रहते हैं। चुनाव जब हो रहे थे तो उस बार भी हमने देखा कि वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को लेकर घेरते रहते थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी मुलाकातें जरूर होती रहती थी। बड़े बड़े जो नेता थे अमित शाह और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनसे सभी की मुलाकातें उनकी लगातार जारी रहीं। और इस बीच उन्होंने बाद में एकदम जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद उन्होंने फैसला किया था कि समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेंगे। तो फिलहाल अभी देखना होगा, क्योंकि अब 6 विधायक उनकी झोली में है, वो अगर योगी कैबिनेट में अगर अपने बेटे को ले जाने के लिए प्रयास करते हैं तो हो सकता है कि अमित शाह उनको कैबिनेट में शामिल करते हैं उनके बेटे को, और उसके बाद ओम प्रकाश राजभर के जो 6 विधायक हैं उससे राज्यसभा में भी गिनती बढ़ाएंगे वो, और उसके बाद यहाँ पर जो फैसले लिए जाते हैं उसमें भी बहुत भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलने वाला है। चलिए, और कहीं ना कहीं सुभाषपा और सपा ने जिस तरह से मिलकर चुनाव लड़ा, उसके बाद इससे पहले के चुनाव की बात करें तो बीजेपी के साथ सुभाषपा नजर आई थी, तो फिर से घर वापसी से कहा जा सकता है। और कैबिनेट पर अब नजर ज्यादा रहेगी तौकीर, क्योंकि जिस तरह से अब ये वापसी हो रही है तो कहीं ना कहीं इसका भी इन्वॉल्वेशन वहां पर नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में प्रचंड जीत के बाद योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को दोबारा सीएम पद की शपथ लेंगे। सरकार पार्ट 2 से पहले आज सीएम गोरखपुर में आम नागरिकों की संग होली मनाते नजर आए। इसकी शुरुआत गोरखनाथ मंदिर में होलिका की राख से हुई और सीएम की अगुवाई में गोरखपुर के घंटाघर से नरसिंह शोभा यात्रा निकाली गई। इसका शुभारंभ हुआ। 5 दिन के दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ और गुलाल और फूल उड़ाकर लोगों को होली की शुभकामनाएं देते नजर आए। कश्यप तो ये मानता था कि उसको जो वरदान मिल चुका है उस वरदान के फलस्वरूप अब विष्णु की जगह उसकी स्वयं की पूजा होनी चाहिए। ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देना, राष्ट्र की सत्ता को चुनौती देना, सामान्य नागरिकों की भावनाओं का अनादर करना, ये हिरण्यकश्यप और होलिका की प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन सामान्य जनमानस तो भक्त प्रहलाद के रूप में जब भी अपनी राष्ट्र आराधना के मार्ग पर चढ़ता है तो नरसिंह भगवान उसका सहभागी बनने और उसका अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए अवश्य अवतरित होते हैं। यह अटूट भावना हमारे मन में हजारों वर्षों से चली आ रही है और इसी भावना को सामने रख करके जब हम लोग हजारों वर्षों की इस विरासत को लेकर आगे बढ़ते हैं तो ये पर्व और त्योहार होली के रूप में हमारे सामने आता है। ये हमें सदैव की प्रेरणा देता है कि चुनौती कितनी कठिन क्यों ना हो, हम सबको अपने मार्ग से विचलित हुए बगैर निरंतर और निष्ठ प्रयास करना होगा, अपने पद पर आगे बढ़ना होगा। भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में योगी आदित्यनाथ शामिल हो चुके हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे ये घंटाघर चौराहा है जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों के साथ होली खेल रहे हैं, अबीर गुलाल खेल रहे हैं और एक दूसरे पे रंग और गुलाल फेंक रहे हैं। आप देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ ठीक मंच पे मौजूद हैं और यहाँ पे लोग उत्साहित हैं, दोहरा उत्साह है यहाँ पे, क्योंकि बीजेपी प्रचंड जीत हासिल की है और यहाँ पे लोग खुशियाँ मना रहे हैं, एक दूसरे पे अबीर गुलाल फेंक रहे हैं और होली मना रहे हैं। आप देखो मेरे तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पे लोग उत्साहित हैं, यह उत्साह इस बहुत ज्यादा है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब दोबारा जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और यहाँ पे लोग दोहरे उत्साह से खुशियाँ मना रहे हैं। यह शोभा यात्रा यहाँ से शुरू होगा और विभिन्न मोहल्ले से होते हुए 5 किलोमीटर का रास्ता तय करेगा। आप तस्वीरों में देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद हैं और यहाँ पे अबीर गुलाल फेंक रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं, लोग यहाँ पे पूरी तरीके से उत्साहित हैं। आपको ये भी बता दें कि बीते दो सालों से कोरोना की वजह से यह पर्व में शामिल
शामिल नहीं हो पा रहे थे, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे शामिल हुए हैं और लोग काफी उत्साहित हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे सीएम योगी किस तरीके से लोग उनको, सीएम योगी आदित्यनाथ को यहाँ पे लोग खुशियाँ मनाते नजर आ रहे हैं। आपको यह बता दें कि यह बीते 25 सालों से इस परंपरा का योगी आदित्यनाथ यहाँ पे निर्वहन करते चले आ रहे हैं। आपको बता दें कि यह शोभा यात्रा यहाँ से जो शुरू हुई है, ये हालसीगंज लाल डिग्गी रेती चौक से होते हुए पूरा यहीं पे आकर यानी कि घंटाघर में विसर्जित हो जाएगी। जनता टीवी की तरफ से भी आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। इधर आजमगढ़ जिले में होली के दिन दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें मामले को सुलझाने गई पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया गया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सलेमपुर में दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद जब मौके पर पहुंचकर पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो एक पक्ष उग्र हो गया और सिपाहियों पर ही हमला बोलते हुए पथराव कर दिया। हमले में दो सिपाहियों को चोट लगी है, सिपाहियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। ग्राम सलेमपुर में पुलिस को सूचना मिली कि दो पक्ष आपस में गाली गलौज और मारपीट कर रहे हैं। इस सूचना पर चौकी के दो सिपाही संदीप और इंद्रजीत तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने मामला सुलझाने का प्रयास किया और दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, परंतु एक पक्ष उसमें से आक्रामक हो गया और उन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया, जिसमें कांस्टेबल संदीप और इंद्रजीत को चोटें आई हैं। इसके उपरांत बाकी पुलिस बल जब पहुंचा है तो कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के लिए जद्दोजहद जारी है। देहरादून से लेकर दिल्ली तक मंथन का दौर चल रहा है। बीजेपी के सामने दावेदारों की लंबी फहरिस्त है। 20 मार्च को विधायक दल की बैठक हो सकती है। पार्टी हाईकमान के ऐलान का सभी को इंतजार है। तो बीजेपी के सामने दावेदारों की लंबी फहरिस्त है और एक तरह से देखा जाए तो अभी सस्पेंस बरकरार है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा उत्तराखंड में। बीजेपी की जीत के बाद यहां पर अभी उत्तराखंड के सीएम के नाम के लिए बीजेपी में मंथन का दौर चल रहा है। हालांकि पुष्कर सिंह धामी इसमें आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि उम्मीद यही लगाई जा रही है कि अगले हफ्ते तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी। तो उत्तराखंड के सीएम के नाम को लेकर सूत्रों ने भी ये दावा किया है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सत्ता में वापसी की है और पुष्कर सिंह धामी रेस में आगे हैं। आपको बता दें कि 10 मार्च को विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी को सीएम का चेहरा घोषित किया था। हालांकि पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से चुनाव हार गए और ऐसे में इसलिए मंथन का ये दौर जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे संवाददाता अजीत, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, एक तरह से देखा जाए तो तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है, उम्मीद क्या लगाएं, क्या अगले हफ्ते तक तस्वीर साफ हो जाएगी और अभी सूत्र क्या कुछ कह रहे हैं सीएम के नाम को लेकर? बिल्कुल आपने ठीक कहा, जिस तरह से 10 मार्च को मतदान हो गया था और 2/3 बहुमत के साथ भाजपा दोबारा से सत्तासीन हुई थी, लेकिन उसके बाद से लंबा समय बीत चुका है। लगभग अब कल 10 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लगभग आधा दर्जन चेहरे ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री के दौड़ में शामिल है और सबसे ऊपर जो नाम है वो निवर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है, जिनको लेकर लगातार कयासबाजी जारी है कि भाजपा नेतृत्व दोबारा उनको मौका दे सकता है। अब कल जिस तरह की सूत्र जानकारी दे रहे हैं, 20 मार्च को राजधानी देहरादून में भाजपा विधानमंडल दल की बैठक आहूत की गई है। हालांकि ऑफिशियल जानकारी इसकी अभी नहीं साझा की गई है, लेकिन सभी विधायकों को साफ तौर पर निर्देशित किया जा चुका है कि वो होली के तुरंत बाद राजधानी देहरादून पहुंचे और कल ही जो भाजपा के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी, ये भी आज देर शाम या कल सुबह तक राजधानी देहरादून पहुंच सकते हैं। और कल जब भाजपा विधानमंडल दल की बैठक होगी तो उसमें नेता सदन कौन होगा इसका चुनाव कर लिया जाएगा और सीधे तौर पर कल उम्मीद है कि 20 मार्च को उत्तराखंड को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। जी चलिए एक तरह से देखा जाए, लेकिन अजीत अगर हम बात करें पिछले दिनों तो जो पार्टी में असंतोष की स्थिति है क्या, क्योंकि राजनाथ सिंह को अगर पर्यवेक्षक बनाया गया है तो पार्टी की स्थिति काफी यहां पर गंभीर हो सकती है और यही कारण है कि बड़े दिग्गज हैं राजनाथ सिंह और उन्हें स्थिति को ठीक करने के लिए यहां पर पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।
लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो स्थिति यह भी है कि धामी को सीएम बनाने के लिए कई विधायक जो अपने इस्तीफे की पेशकश भी कर चुके हैं, यानी कि अपनी सीट छोड़ने को वो तैयार हैं। तो पार्टी में क्या कुछ अभी देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, अगर उत्तराखंड भाजपा की बात की जाए तो मतदान होने के साथ ही जब मतगणना हुई और मतगणना में नतीजे सामने आए तो सबको इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि दो तिहाई बहुमत लाने वाले पुष्कर सिंह धामी खुद अपनी सीट गंवा देंगे। तो उसके बाद से ही लगभग 5 से 6 विधायक ऐसे थे जिन्होंने सीधे तौर पर औपचारिक घोषणा की कि वो बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर अपनी सीट छोड़ना चाहते हैं। अब भाजपा आलाकमान को फैसला करना है कि क्या वो दोबारा से मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को यहां पर कमान सौंपेंगे। अगर उनको दोबारा से मुख्यमंत्री घोषित किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि 6 माह के अंदर उनको विधानसभा का सदस्य बनना होगा, इसके लिए दोबारा उपचुनाव होगा। तो ऐसे में 2 से 3 सांसद भी दौड़ में शामिल हैं, अगर वो भी यहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित होते हैं तो उनके लिए भी उपचुनाव होगा। फिर उनके लिए सेफ सीट कौन सी होगी, इसकी तलाश करना नेतृत्व का काम होगा, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को तो लेकर विधायक यहां पर कुर्सी छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन अन्य किसी को अगर विकल्प के तौर पर दिया जाता है तो क्या उत्तराखंड भाजपा के जो निर्वाचित विधायक है 47 ये अपनी सीट छोड़ेंगे, इनमें से कौन वो चेहरा होगा जो सीट छोड़ेगा। तो तमाम इस तरह के समीकरण है जिनको बैठाने के लिए ही लगभग 10 दिन का वक्त बीत चुका है। इंतजार करना ही बेहतर होगा। अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और अपडेट के लिए। चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज करेंगे हरिद्वार का दौरा। उपराष्ट्रपति नायडू आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय दक्षिण एशियाई शांति और सुलह संस्थान का उद्घाटन करेंगे। एशिया के प्रथम बाल्टिक सेंटर का निरीक्षण करेंगे आज नायडू। तो हरिद्वार से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दक्षिण एशियाई शांति और सुलह संस्थान का उद्घाटन करेंगे आज वेंकैया नायडू। हरिद्वार के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। एशिया के प्रथम बाल्टिक सेंटर का भी नायडू आज निरीक्षण करेंगे। तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज हरिद्वार का दौरा करेंगे, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति नायडू। चलिए, इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।